शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। शुरू से अल्लाह के नाम से जो वाहिद है जो आहद है। शुरू से अल्लाह के नाम से जिसने इस दुनिया को इस कायनात को खल्क किया। शुरू से अल्लाह के नाम से कि हवाएं उसके हुक्म से चलती हैं, ये बारिशें उसके हुक्म से बरसती हैं। शुरू से अल्लाह के नाम से कि तुम जिसे देख सको वो उसका भी खालिक और मालिक है, तुम जिसे ना देख सको वो उसका भी खालिक और मालिक है। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और तमाम अंबियाओं के सरदार है। हमारा लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम सिर्फ नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बंदा खुदा है और 1 से 10 मुहर्रम मैं डेली लाइव आके आप लोगों को बताऊंगा कि करबला एक एक दिन क्या हुआ, किसको कैसे शहीद किया गया। बताता चलूं कि एक ये शहादत और एक मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल होता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर लेता हूँ लेकिन वो एक कैफियत वो एक फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना मुश्किल है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं हक बयान कर सकूं। याद रखिएगा कि मैं वो इंसान हूं जिसे अपनी मौत याद है। मेरा कोई मतलब कोई गर्ज नहीं है सिवाय इसके कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि व्हाट हैपेंड। और याद रखिएगा कि हिस्ट्री किया कोई फिरका या मजहब नहीं होता, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। 5 मुहर्रम सन 2021 करबला में जोक दर जोक वक्फे वक्फे से यजीद की लश्कर में डिफरेंट डिफरेंट फौजें मर्ज होती गईं। जब भी कोई फौज मर्ज होने के लिए आती थी तो वो लोग ढोल बजाते थे, शोर मचाते थे, नाचते थे। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ये 4 साल की बच्ची है, ख़ास तौर पे उन लोगों से जिनके 4-5 साल की बेटी है, कि नबी का नवासा और उसकी फैमिली जंगलों में सहराओं में है। और ढोल बज रहे हैं, वो बच्ची डर के उठी और अपने बाबा के पास आई और आके कहने लगी कि बाबा ये लोग ढोल क्यों बजा रहे हैं। इमाम हुसैन ने बीवी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को प्यार किया और बोला, सकीना जब भी यजीद की फौज में लोग आते हैं तो ये लोग ढोल बजाते हैं। बीवी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने सवाल पूछा कि बाबा ये फौज क्यों आ रही है बाबर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पता है बीबी को क्या बोला, ये तुम्हारे चचा अब्बास के लिए आ रहे हैं। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा से बोला कि बाबा यजीद की फौज में इतने लोग आ रहे हैं, क्या हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी से बोला कि फौरन से मुझे कागज और कलम ला के दो। हाँ, मेरा एक दोस्त है बचपन का, हबीब इब्ने मज़ाहिर, हम उसको खत लिखते हैं। बताता चलूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ एक दिन गुजर रहे थे, एक बच्चे को देखा, बुलाया पास, उस बच्चे को बुला के प्यार किया, गले लगाया, चूमा और उसके बालों में हाथ फेरा। असहाब ने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को इतने प्यार करने की वजह, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि यह बच्चा मेरे हुसैन से बहुत प्यार करता है और वह बच्चा हबीब इब्ने मज़ाहिर ही थे। हमारा लाखों करोड़ों सलाम हबीब इब्ने मज़ाहिर पे। दोस्तों तो ऐसे हो, शायद मेरी अपनी सोच है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं कहीं देखा नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि यही हबीब इब्ने मज़ाहिर होगा जो मेरे हुसैन की मदद के लिए जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा हबीब इब्ने मज़ाहिर को, गालिबन जॉन को वो ख़त दिया कि जॉन जल्दी से ख़त हबीब इब्ने मज़ाहिर तक पहुँचाओ। जॉन निकले और जितना जल्दी पहुंच सकते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर के घर पहुंचे, जाके तक्कुल बाप किया।
हबीब इब्ने मज़ाहिर की बीवी ने दरवाज़ा खोला, फरमाने लगे मैं जॉन हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद, हबीब इब्ने मज़ाहिर को बुला दें। तो उनकी बीवी बहुत खुश हुई, जॉन अंदर आओ पानी पियो कुछ बैठो। तो जॉन ने बोला कि नहीं, मुझे फ़ौरन से हबीब इब्ने मज़ाहिर को एक ख़त देना है। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर की बीवी ने बताया कि हबीब तो बाज़ार गए हैं। जॉन ने घोड़ा घुमाया, बाज़ार पहुँचे। जॉन इतनी जल्दी में थे कि जाके ढूंढा नहीं हबीब इब्ने मज़ाहिर को, चौक में गए बाज़ार के और जाके चीख के बोले हबीब। दूर से हबीब ने सुना, वापस आए, कहने लगे तुम कौन हो, इतनी जोर से मेरा नाम क्यों लिया। बोला मैं कासिद हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन ने ख़त भेजा है। हबीब ने बोला फ़ौरन से मुझे ख़त दो। खोलने लगे, जॉन ने हबीब का हाथ पकड़ा, हबीब बाज़ार में नहीं घर चल के पढ़। तारीख ने लिखा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर और जॉन घर गए और जाते साथ ही हबीब ने ख़त खोला, ख़त खोल के पढ़ने लगा। जैसे ही ख़त पढ़ा हबीब ने एक चीख मारी और रोने लगे। यहाँ हबीब इब्ने मज़ाहिर की बीवी आई, कहने लगी हबीब तुम इतने बड़े सरदार हो के रो रहे हो, क्या लिखा है ख़त पे। हबीब ने ख़त पढ़ना शुरू किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुर्बत का अंदाज़ा आपको इस ख़त से हो जाएगा कि इमाम हुसैन क्या फ़ील कर रहे थे, उनके क्या जज्बात थे और इमाम हुसैन के क्या हालात हो चुके थे। ख़त की शुरुआत ऐसे हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हबीब तुम पर सलाम, तुम्हें मालूम हो या ना मालूम हो हम दो मुहर्रम से कर्बला आ चुके हैं। हबीब मेरे अहले खाना और ज़ैनब भी हमराह हैं। हबीब अगर हमारी मदद करना चाहो तो अशरे आशूर से पहले कर्बला आ जाना, वरना महशर के मैदान में मुलाकात होगी। आप में से कितने लोग होंगे जो ख़त जब लिखते होंगे तो हमेशा से अपने बाप का नाम साथ लिखा जाता है, और आप किसी को कितना आप परेशान और मजबूर होंगे कि आप उसको ये याद दिलाएंगे मैं हूँ कौन। नीचे इमाम हुसैन ने लिखा तुम्हारे बचपन का दोस्त हुसैन इब्ने फातिमा। तारीख ने लिखा कि हबीब फौरन से जॉन के साथ रवाना हुए, कर्बला पहुंचे। जब हबीब कर्बला पहुंचे ना, बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पता चला, पूरे कारवां को पता चला कि हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अब्बास से बोला हबीब को हमारा सलाम देना। जैसे ही मौला अब्बास ने आके हबीब को सलाम दिया ना बीबी ज़ैनब का, हबीब रोने लगे, कहने लगे सादात इतने गरीब हो गए कि अब मुझ नौकर गुलाम को बीबी सलाम भेजेंगी। बीबी का सलाम भेजना शुक्रिया था हबीब के लिए कि हबीब तुम आ गए, अल्लाह ताला आप लोगों को कर्बला लेके जाए, हम भी गए। इमाम हुसैन की ये कब्र है, उसके बिल्कुल साथ हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र है। हमारा लाखों सलाम हबीब इब्ने मज़ाहिर को। सादात की गुर्बत आपको बताता चलूं कि जब ये काफिला लुट के कर्बला से शाम पहुंचा है ना, तो एक जगह शाम में एक बाज़ार के बाहर इस काफ़िले को रोका। हालत ये है कि बीबियों के हाथों में रस्सियों से बंधे हुए हैं और सर पे चादरें नहीं हैं। एक शख्स, तारीख ने जिसका नाम अब्दुल्ला लिखा, वो उस काफ़िले के पास से गुजरा ना, तो उसने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को देखा। अपने घर गया, अपनी बीवी के पास, इसकी बीवी का नाम ज़किया है, जाके कहने लगा ज़किया तुमने बताया कि तुम्हारे मौला हुसैन के 3 साल पहले जब तुम गई थी बेटी हुई थी सकीना, जिसे इमाम हुसैन अपने गले का तावीज़ बना के रखते हैं, वो बच्ची अब 4 साल की हो चुकी होगी। मैंने बाजार में एक लुटा हुआ काफिला देखा है, उसमें एक बच्ची है 4 साल की, क्यों ना हम उस कैदन को खरीद के बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की कनीजी में दें। ये सुनते साथ ही ज़किया ने अपने आप को तैयार किया, चादर ली और निकली और बाजार में पहुंची। बाजार में आई ना ज़किया तो आके बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहने लगी सुनो, क्या तुम अपनी इस बच्ची को फरोख्त करोगी, हमारी बीबी रहती हैं मदीना में और हमने उसे कनीजी में देना है इस बच्ची को। बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ज़किया की तरफ देखा। बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बोला ज़किया मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुरान पढ़ना आता है। ज़किया परेशान हुई, कहने लगी ए बीबी तुझे मेरा नाम कैसे पता है, हाँ मुझे कुरान पढ़ना आता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बोला ज़किया तुझे कुरान पढ़ना किसने सिखाया। तारीख कहती है कि ज़किया एकदम से उठी और गुस्सा करने लगी, कहने लगी खबरदार जो मेरी आकाजादी का नाम पूछा मेरे से बाजार में,
बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बोला, सकिया आकाजादी, क्या तू इमाम हुसैन के घर वालों को जानती है? तुझे कसम है तेरी बीबी जैनब की, बता। कहने लगी, बीबी तूने कसम दी है तो बताती हूँ। नीचे आई, झुकी, कान में आके कहने लगी, हाँ मैं हुसैन की बहनों को जानती हूँ, वही तो मेरी मौलमा है जिन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बोला, तो फिर बता तुझे कुरान पढ़ना किसने सिखाया? कहने लगी, अब तुम मुझे कसम भी दे दो मेरी बीबी का नाम बाजार में ना लेना। बीबी ने बोला, सकिया तूने अपनी आकाजादी का जिक्र कर रही है, क्या उस आकाजादी की कोई पहचान है? क्या उस आकाजादी का कोई मौजा है? जकिया कहने लगी, हाँ मेरी आकाजादी का एक मौजा है। हम कुरान खोल के पढ़ रहे होते थे, जैसे ही हमारी आकाजादी कमरे में दाखिल होती थी, कुरान हवा में उठने लगता और मेरी आकाजादी का तवाफ करने लगता। ये मेरी आकाजादी की पहचान है। तो बीबी कहने लगी, जकिया जा फिर फौरन घर से कुरान लेके आ। जकिया रवायत करती है कि मैं भागती हुई घर गई और कुरान लेके आई, जैसी बीबी के सामने आके खड़ी हुई, कुरान मेरे हाथों से बुलंद होने लगा। शाम के बाजार में एक एक इंसान ने यह मौजा देखा कि कुरान हवा में बुलंद हुआ और बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा का चक्कर लगाने लगा। ये देखना था कि तारीख ने लिखा, जकिया खड़े खड़े पांव के बल जमीन पे गिरी और रोने लगी। कहने लगी, आकाजादी क्या हाल हो गया, मैंने ना पहचाना तुम्हें। जकिया मुड़ी बीवी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के आगे हाथ जोड़े कि मेरी आकाजादी मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को पहचान न सकी, ये क्या हाल हो गया, हाथों में रस्सियां हैं, सरों पे चादरें नहीं है, बीबी मुझे हुक्म कर अगर मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। तारीख ने लिखा कि सकीना बिनतुल हुसैन ने जकिया से कहा, जकिया अगर हमारे लिए कुछ कर सकती हो तो थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे बाबा का सर ले दो। बताता चलूं कि इस काफले के साथ साथ शहदा के सर लेके चल रहे थे। तारीख ने लिखा कि जकिया ने अब्दुल्ला को कह के मलऊनों को पैसे देके कुछ देर के लिए इमाम हुसैन का सर लिया और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को थोड़ा साइड पे ले जाके वो नेजा दरख के साथ रखा और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को उधर लेके गए। यकीन करें मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस बच्ची ने उस देर में अपने बाप से क्या गुफ्तगू की, लेकिन कुछ बातें तो मैं बताऊंगा। तारीख ने लिखा कि सकिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को लेके दिया। इस बच्ची ने बाबा का सर सामने रखा और गले से लगाया। इस बच्ची ने अपने बाबा से चंद बातें की, कहने लगी, बाबा शाम के लोग कितने बद अखलाक हैं, बाबा शाम के लोगों के हाथ कितने भारी हैं, बाबा उस जालिम के हाथों के निशान मेरे चेहरे से चले गए लेकिन उसकी अंगूठी का निशान अभी भी मेरे रुखसार पे मौजूद है। कहने लगी, बाबा उन्होंने मेरे कान से बालियां नोची, वो मुझसे मांगते तो मैं उन्हें की बच्चियों के लिए दे देती। सखी की बेटी। कहने लगी, बाबा मैं और आप एक दूसरे से कितना मिलते हैं, आप नेजे पे सवार थे, मैं ऊंट पे सवार थी, बाबा आप देख रहे हैं ना मेरे हाथों में रस्सियां हैं। कहने लगी, बाबा उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेरा दांत भी टूट गया। असर आशूर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 साल का नौजवान हम शक्ल पैगंबर है। इसका चेहरा, इसकी जिसामत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब बाजार जाते थे ना अली अकबर के साथ, तो लोग रोक रोक के कहते थे, तुम पूछते थे ना मेरे नाना कैसे दिखते थे, ये देखो अली अकबर को, मेरे नाना ऐसे दिखते थे, देखो इसका माथा मेरे नाना रसूल अकरम जैसा है, इसकी आंखें मेरे नाना रसूल अकरम जैसी, इसका चेहरा मेरे नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है। इतनी मुशाबियत रखते थे जनाब अली अकबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तारीख ने लिखा कि जब अली अकबर जंग के लिए जाने लगे ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से अली अकबर को तैयार किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा संदूक से निकाला, सर पे बांधते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी अपनी सोच है कि रसूल अल्लाह से जनाब अली अकबर इतनी मुशाबियत रखते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसीलिए रसूल अल्लाह का इमामा बांधा कि शायद मुसलमान रसूल अल्लाह की शबी देख के ही रुक जाएं। तारीख ने लिखा कि किसी भी शहीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी दफ़ा नहीं रोका जितनी दफ़ा अली अकबर को भेज के वापस बुलाया। एक रिवायत के मुताबिक 29 टाइम्स इमाम हुसैन ने अली अकबर को भेजा वापस बुलाया। घोड़े पे सवार किया, अली अकबर आखिरी सलाम, जाओ। अली अकबर जाने लगते, अली अकबर रुक जाओ, फिर उतरो, फिर गले लगाते, फिर प्यार करते। रावी कहता है कि 29th टाइम अली अकबर जब घोड़े से उतरे हैं ना, तो उतर के कहने लगे, बाबा आप मेरा जाना और मुश्किल बना रहे हैं, बाबा आप मुझे जाने क्यों नहीं देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली अकबर तेरा बाबा ओ हुसैन जैसा, तू बेटा ओ अली अकबर जैसा तेरा, तो मैं तुझसे पूछूं तू अली अकबर को कैसे जाने दे। अली अकबर, मैं जब भी अपने नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता था, मैं तुम्हारी ज्यारत कर लेता था। अली अकबर, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन ने अली अकबर को जाने की इजाजत दी। याद रखें, हाशमी सैयद 3 दिन से प्यासा है। अली अकबर मकतल में पहुंचे, एक रिवायत के मुताबिक 300 सरदार, लईन सरदार, बड़े बड़े मशहूर सरदारों को अली अकबर ने अकेले वासिले जहन्नुम किया। रावी कहता है, मैंने देखा कि हुसैन दूर से खड़े अली अकबर को देख रहे हैं। एक वक्त आया कि अली अकबर को चारों तरफ से घेरा गया, उस घेरने की वजह से धूल उड़ी और अली अकबर है कि इमाम हुसैन को नजर नहीं आ रहे। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन में इतनी बेचैनी थी कि खैमे में गए। खैमे में जाके अली अकबर की वालदा जनाब उम्मे लैला से कहने लगे, उम्मे लैला सर से चादर उतारो, अल्लाह से दुआ करो कि मुझे एक दफा और अली अकबर की ज्यारत करा दे, कि अल्लाह माँ की दुआ रद्द नहीं करता। जनाब उम्मे लैला ने अपने सर से चादर उतारी, अल्लाह से दुआ की कि एक दफा अली अकबर की ज्यारत करा दे। ये कह के इमाम हुसैन बाहर आए तो दूर से अली अकबर को वापस आते देखा। तारीख ने लिखा कि अली अकबर वापस आए, घोड़े से उतरे, उतरते साथ ही घुटनों के बल गिरे। ये हालत थी प्यास से, भूख से और थक के। कहने लगे, बाबा एक घूंट पानी ले दे, मैंने बताऊं अली का पोता लड़ता कैसे है। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे अली अकबर को अपने पास किया, पास करके जनाबे अली अकबर के मुंह में अपनी जबान डाली। जैसे ही जबान डाली ना अपनी अली अकबर के मुंह में, अली अकबर पीछे हुए कहने लगे, बाबा आप तो मेरे से ज्यादा प्यासे हैं। तारीख ने लिखा कि अली अकबर ने एक दफा और बाबा से इजाजत ली और मकतल में मुड़े। अली का पोता लड़ लड़के थक चुका था। यजीद की फौज में अली अकबर को काबू ना किया जा रहा था। एक मलाउन ने छुप के अली अकबर के सीने में तीर मारा। अली अकबर की सीने में जब तीर लगा ना, तो अली अकबर दाएं जानब गिरने लगे। एक मलाउन ने दूसरी तरफ से अली अकबर के सीने में तलवार मारी। रावी कहता है कि इमाम हुसैन ने देखा कि अली अकबर घोड़े के ऊपर डगमगाने लगा।
कभी राइट गिरने लगता है, कभी लेफ्ट गिरने लगता है। एक मलून हसीन इब्ने उमर इसका नाम है, इसने अली अकबर के सीने पर चढ़ा और चढ़ के कहने लगा, सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, इसने बर्छी अली अकबर के सीने में मारी और सीने में मार के वहीं तोड़ दी। बर्छी कहते हैं ए शेप का एक वेपन होता है उसको, उसने वो सीने पे मारी, तोड़ दी और तोड़ के कहा सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, देखते हैं कि कैसे निकालेगा। ये कहकर अली अकबर घोड़े से गिरने लगे। जैसे ही घोड़े से गिरने लगे तो एक आवाज दी, बाबा बाबा मेरी मदद को आए। रावी कहता है कि मैंने हुसैन को देखा और ये पहली दफा था कि मैंने हुसैन को देखा, मैं हुसैन को पहचाना नहीं। रावी कहता है कि हुसैन के सर के बाल सफेद हो चुके थे। रावी कहता है हुसैन के चेहरे पे झुर्रियां थी। रावी कहता है हुसैन की कमर झुक गई थी। रावी कहता है कि अली अकबर ने गिरते हुए हुसैन को आवाज दी, हुसैन खेमे से दौड़े, हुसैन गिरे। रावी कहता है हुसैन फिर उठे, हुसैन फिर गिरे। रावी कहता है कि हुसैन इतनी दफा गिरे कि कोनियों के बल चलते चलते अली अकबर तक हुसैन पहुंचा। रावी कहता है कि मैंने हुसैन को देखा, मैंने हुसैन को पहचाना नहीं, हुसैन कोनियों के बल अली अकबर तक पहुंचा। रिवायत के जुमले के इमाम हुसैन ने अली अकबर का सर उठाया, अपनी गोद में रखा और रो रहे हैं। तारीख ने लिखा कि सारी जिंदगी बचपन से ही अली अकबर की आदत थी कि जब भी इमाम हुसैन को देखते थे तो दोनों हाथ सर पे रख के सलाम करते थे, सलाम बाबा सलाम बाबा। ये पहली दफा था कि अली अकबर ने एक हाथ से सलाम किया, सलाम बाबा, दूसरा हाथ अपने सीने पे बर्छी पे रखा हुआ। गोद में बेटे का सर रखा हुआ, रो रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को प्यार किया, कहने लगे अली अकबर कोई आखिरी ख्वाहिश? अली अकबर कहने लगे बाबा कोई ख्वाहिश नहीं, वो जालिम मेरे सीने में ही बर्छी तोड़ गया, बाबा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये बर्छी मेरे सीने से निकाल दें। रावी कहता है कि मैंने दो दफा हुसैन को देखा कि उसने करबला में मदद के लिए पुकारा किसी को। एक दफा तब जब हुसैन के सीने में तीर लगे, तलवार लगी, हुसैन की पसलियां टूटी ना, तो अम्मा फातिमा को आवाज दी कि मां की पसलियां टूटनी याद आई। रावी कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन ने अली अकबर को तपती रेत पे लिटाया, अपना घुटना जमीन पे रखा, अपने दोनों हाथ अली अकबर के सीने पे बर्छी पे रखे, नजफ की तरफ मुंह किया और अपने बाबा को मदद के लिए पुकारा। रावी कहता है कि हुसैन ने अपने दोनों हाथ बर्छी पे रखे, घुटना जमीन पे रखा, आसमान की तरफ देखा और बोला नाना नाना जल्दी आएं और जद इब्राहिम को भी लेके आएं और जद इब्राहिम से पूछें क्या मेरे इस्माइल के हाथों में रस्सी तो नहीं, क्या मेरी आंखों में पट्टी तो नहीं। ये कहकर नजफ की तरफ मुंह किया और मौला अली को मदद के लिए पुकारा, या अली मदद। रावी कहता है कि हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली तो अली अकबर का कलेजा भी साथ आया। अली अकबर की रूह परवास कर गई। रावी कहता है कि हुसैन इतना गरीब हो चुका था कि अपने दोनों हाथ नीचे डाल के अली अकबर को उठाना चाहा, अली अकबर की लाश हुसैन से उठी नहीं। रावी कहता है मैंने देखा हुसैन रो रहे हैं, हुसैन के बालों में खाक है, हुसैन के बाल सफेद हो चुके हैं और हुसैन वहां से चिल्लाए, छोटे छोटे बच्चों को आवाज दी कि जल्दी आओ बच्चों, आके मेरे साथ अली अकबर की लाश उठाओ कि बूढ़े बाप से अली अकबर की लाश नहीं उठती।